दिस इज मनीष, वेलकम टू माय चैनल बसरन मनीष। वीडियो को थोड़े से नाटकीय ढंग से पेश किया है और इसमें मैंने एक आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए हैं और बड़े ही सरलता से बताए हैं, समझ के बताए हैं। आप ज़रूर उसको समझिएगा और मैं जो बात बोला हूँ एक एक पॉइंट सीरियस पॉइंट बोला हूँ, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा और इन पॉइंट को अगर आप गांठ बांध लोगे तो आपको सक्सेस मिलने वाली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो चालू करने के पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बाकी आपको पता ही है। चले सोचता हूँ यार यूट्यूब चैनल बना डालूँ। हाँ तो बना डालूँ, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, टाइम पास कर, एक टाइम के बाद पैसा भी आ जाएगा, फेमस भी हो जाएंगे, है ना, क्या बोलते हैं? किस बात की देरी, तेरा जीमेल अकाउंट है ही, यूट्यूब चैनल तो बन ही जाएगा, बोल दे कुछ भी चल जाएगा। मैं सोचता हूँ मैं भी यूट्यूब चैनल एक बना ही डालूँ, इतने सारे लोग यूट्यूब में चलते रहते हैं, हम भी चल जाएंगे। यार क्या चीज़ का चैनल बनाऊँ, खाने का पीने का अपने का तो बस की बात है नहीं, आता है क्या अपने? सोचता हूँ कुछ भी बोल दूंगा, लोग को आएगा, लोग देखेंगे, क्या है वीडियो है, लोगों के पास टाइम है ना, क्या बोलता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, यूट्यूब चैनल वाला तो तेरा ससुराल वाला है ना, बोला जवाई का वीडियो आया, चलो सब टीवी में सामने बैठो और चलाओ देखो, सब मैंडेटरी है, जवाई का आया है ना। नहीं मुन्ना, ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इसको चलाने में और इसको लंबे तक चलाने में बहुत टाइम लगता है। एक बिजनेस को चलाने में अगर बोला जाता है कि 6 महीना लगता है, तो यूट्यूब चैनल को चलाने के बाद उसको रन करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितना लगता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कोई यूट्यूब चैनल सक्सेस होता है भैया, समझ गए? हलवा नहीं है, अगर मेहनत कर सकते हो तो फिर यूट्यूब चैनल बनाना। तो माना टाइम लगता है पर मेहनत, अरे वीडियो बनाना है डालना है और क्या, इसमें मेहनत वेहनत कुछ नहीं है बॉस, बस बनाओ और मजे करो। तू कभी देखा है यूट्यूब चैनल को बनते हुए किसी लोगों को? मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखता हूँ, बोलते रहते हैं सारे, इतने सारे सब्सक्राइबर आ जाते हैं, इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत मेहनत लगता है। अरे कोई मेहनत नहीं करना पड़ता मेरे भाई, कंसिस्टेंसी लगती है। कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं, हर महीने में एक आध वीडियो डाल दो चल जाएगा, वीडियो ऐसे नहीं बनता बस बनाया और चल दिया और क्या। अगर महीने में मैं एक आध वीडियो डाल भी देता हूँ तो उसमें तो वो चल ही जाएगा ना, वीडियो ही है, एक बार वो व्यू आते 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 हफ्ता दो हफ्ता व्यू आते रहेंगे, फिर हम दूसरा वीडियो डालेंगे उसमें व्यू आता रहेगा, और क्या करना है, उसमें कंसिस्टेंसी क्या चाहिए। हर हफ्ता में मिनिमम एक वीडियो, और जो टाइम पे तू वीडियो बना रहा है वही टाइम पे तेरे को वीडियो डालना भी पड़ेगा। जैसे कि तूने आज वीडियो डाला तो तू अपने टाइम को देख कि तेरे सब्सक्राइबर कितनी बार देख रहे हैं वीडियो, कब देख रहे हैं, ये तेरे को वॉच करना पड़ेगा, तब जाके तेरा चैनल धीरे धीरे करके हिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अरे जा कहाँ रहा है, बैठना, समझा कि नहीं? अगर हर हफ्ते में तू वीडियो डालता है तो तेरा चैनल हरदम चलता रहेगा। अगर तू सोचेगा कि मैं 1 महीने का ब्रेक ले लूँ, 2 महीने का ब्रेक ले लूँ और फिर वीडियो डालूँ, तो वैसे वीडियो नहीं, वैसे चैनल नहीं चलने वाला। अरे नहीं जाता हूँ यार, ये ले भाई, क्या चलेगा है? तेरे को बहुत पता है क्या, वीडियो मैं देखा हूँ ना, मेरे को पता है यूट्यूब में कैसे क्या चलता है, तेरे कुछ नहीं पता। तू बोलता है हर हफ्ते कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ठीक है चलो मैं कंसिस्टेंसी रखा, उससे क्या मैं भी लाऊंगा कहाँ से कंसिस्टेंसी, वीडियो बनाने के लिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए मेरे को मेरे मैटर तो चाहिए, मैटर कहाँ से लाऊं? वीडियो बनाने के लिए मैटर ही सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, समझे? अभी तू बोलेगा कि मैटर कहाँ से लाऊं? तेरे को सबसे पहले नीश पकड़ना पड़ेगा कि किस चीज़ में तू वीडियो बनाना चाहता है। जिमनाजियम में मैंने वीडियो बना रखा है नीश का, पर आप इसमें देख लेना यूट्यूब ट्यूटोरियल में, तेरे को मिल जाएगा, क्या समझा कि नहीं? अगर तू नीश बनाएगा कि तेरे को किस में वीडियो बनाना है, तो उसी में तेरे को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, तो उसके स्क्रिप्ट ले, स्क्रिप्ट को उसको
फेयर कर, फेयर करके उसको बोल, उसके बाद उसकी एडिटिंग कर, उसको अंदर कुछ मसाला डाल, फिर उसके थंबनेल बना, सब वीडियो बना के तू देख तो सही ऊपर, तब जाके तेरा वीडियो चलेगा। ऐसे टाइम पास नहीं है यूट्यूब। और अगर तू टाइम पास के लिए यूट्यूब बना रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये भी याद रखना, यूट्यूब में कमाई नहीं होती, बहुत कमाई होती है। बहुत कमाई माने तो समझ, अगर यूट्यूब तेरा चैनल चल गया तो यूट्यूब तेरे को इतना पैसा नहीं देने वाला। साल, दो साल, चार साल बाद तेरा चैनल चला तो तेरे को अदर इनकम्स बहुत आ जाएंगे। तू अपने बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकता है और तेरे, क्योंकि फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी तो तेरी बिजनेस में तेरे को तेरी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बड़ा सपोर्ट मिलेगा थ्रू यूट्यूब। समझा कि नहीं? यूट्यूब को अगर तू टाइम पास के हिसाब से चालू कर रहा है तो मेरे हिसाब से तू टाइम को अपने नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये बाकी के चैनलों में पास कर, टीवी देख, मस्त रह, लाइव जी हो गया, लाइव सेट है। तो भाइयों, यूट्यूब बनाना है तो पहले मैंने नीश के लिए वीडियो बनाया, मैंने उसके बाद आपको सब बताया है कि यूट्यूब कैसे चैनल बनाते हैं, फिर जीमेल के थ्रू सेटिंग्स क्या करते हैं, उसकी लुक कैसे करते हैं, उसकी थंबनेल कैसे बनाते हैं। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको एक्चुअली बनाते बनाते आप थक मत जाना। अगर आप थक गए, आपको लगा कि आपकी व्यू 10, 15, 20, 25 वो भी कुछ जान पहचान के लोगों के आ रहे हैं तो भी ठीक है, पर आप कंसिस्टेंसी रखोगे आपका चैनल, आपकी वीडियो एक दिन ज़रूर वायरल होगी ही होगी और उसके बाद फिर आपको सक्सेस हाथ में लगेगी। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट, और अगर इसको आप अपने पैशन के साथ करते रहे, अपने जुनून के साथ करते रहे, सक्सेस आपको ज़रूर हाथ लगेगी, टाइम आपको ज़रूर देना पड़ेगा। आप समझ गए ना? बस मजे करो और वीडियो बनाओ। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो अब नई वीडियो बना रहा हूँ वो और भी धमाल और कमाल के होने वाले हैं। को देखना है तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बाय बाय।